Hello everyone, my name is Daisy and in this video I am going to explain how to find out cube root of any given perfect cube using very short trick. So trick ko karte hain start, but before starting trick kuch points hain unko hum samajhte hain. Number 1 kya hai? We have to learn 1 to 9 cubes. 1 se 9 tak ke cubes hume learn hone chahiye. Okay? And second thing is, jab hum cube find karte hain, तो जिस नंबर का हम क्यूब कर रहे हैं उसके यूनिट प्लेस पर सेम नंबर होता है और वो कौन कौन से नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस पर सेम डिजिट होती है 1, 4, 5, 6, 9. ओके, जब हम इनका क्यूब करते हैं मीन्स अगर हम 4 का क्यूब करते हैं सो 4 का क्यूब इज 64, तो 64 उसके यूनिट प्लेस पर क्या नंबर है, सेम डिजिट है जिसका हमने क्यूब किया था. ओके, तो ये डिजिट्स ऐसी हैं जिनका क्यूब करने पर उनके यूनिट प्लेस पर सेम नंबर आएगा. ओके, एंड 2, 8, 3, 7 ऐसी डिजिट्स हैं जिनका क्यूब करने पर नंबर चेंज होता है. मींस 2 का क्यूब करेंगे तो हमें 8 मिलेगा एंड 3 का क्यूब करेंगे तो 7 मिलेगा और इसका रेसिप्रोकल 8 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पर हमें 2 मिलता है. देखिए 8 का क्यूब इज 512, तो यूनिट प्लेस पर क्या है 2, एंड 7 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा हमें 3. ठीक है, तो 2 का क्यूब यूनिट प्लेस नंबर इज 8, 8 का क्यूब यूनिट प्लेस नंबर इज 2, 3 का क्यूब यूनिट प्लेस नंबर इज 7 एंड 7 का क्यूब यूनिट प्लेस नंबर इज 3. सो अब करते हैं ट्रिक को स्टार्ट, लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल. एंड फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड क्यूब रूट ऑफ 4913. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, हम करेंगे ग्रुपिंग. ग्रुपिंग कैसे करेंगे, राइट साइड से 3 नंबर्स को एक ग्रुप में लेंगे. ठीक है, इसके बाद जो भी नंबर बचे वो हमारे एक अलग ग्रुप में हो गए मींस दूसरे ग्रुप में. ठीक है, अब इसमें यूनिट प्लेस पर जो नंबर है क्या है 3. ठीक है, क्या नंबर है यूनिट प्लेस पर 3, उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पर क्या डिजिट है. अभी मैंने आपको बताया कि 3 का जब हम क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पर हमें क्या मिलता है 7, तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे 7. यहां से भी देख सकते हैं कि 3 का क्यूब इज 27 और 27 के यूनिट प्लेस पर मतलब क्या है 7 है. ठीक है, तो हमें यूनिट प्लेस वाला नंबर यहां पर लिखना है. ठीक है, नाउ रिमेनिंग क्या है हमारा 4, और 4 किस किस नंबर के क्यूब के बीच आता है, तो 1 और 2 दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 1 का क्यूब इज 1 एंड 2 का क्यूब इज 8. ठीक है, तो किसके बीच में आएगा ये 1 और 2 के. अब इन दोनों में से हमें लेना है छोटा नंबर स्मॉलर नंबर, सो 1. ठीक है, हमेशा छोटा नंबर ही हम आंसर में लेंगे. दैट मींस 17 इज द क्यूब रूट ऑफ 4913. ओके, आई होप आपको स्टेप्स समझ आए होंगे. लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज क्यूब रूट फाइंड करना है 12167. ठीक है, इसका अगेन क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे. ग्रुपिंग कैसे करेंगे, ये तीनों नंबर हमारे एक ग्रुप में होंगे एंड रिमेनिंग्स आर इन अदर ग्रुप. ओके, अब यहां पर यूनिट प्लेस पर क्या है 7, एंड एज वी नो 7 अगर यूनिट प्लेस पर है तो इसके क्यूब के यूनिट प्लेस पर क्या आएगा हमारा 3 आएगा. ठीक है, एंड नाउ हम देखेंगे 12 को, तो 12 किस किस के क्यूब के बीच आएगा. देखिए 8 एंड 27 मींस 2 और 3 के क्यूब के बीच, 2 एंड 3. ठीक, और इन दोनों में से हमें क्या लेना होता है स्मॉलर नंबर, सो 23 इज द क्यूब रूट ऑफ 12167. ओके, आई होप ट्रिक के स्टेप्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे. लेते हैं कुछ और. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एंड नेक्स्ट इज फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ 32768. 32768 का क्यूब रूट हम कैसे फाइंड करेंगे इसको देखते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, राइट साइड से 3 डिजिट की ग्रुपिंग, एंड नाउ यूनिट प्लेस पर क्या है 8, और अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पर क्या नंबर आता है हमारा 2. ठीक है, एंड नाउ 32 के बारे में बात करेंगे, तो 32 हमारा किन दो क्यूब्स के बीच में आता है उसको चेक करेंगे. तो देखिए 32 आएगा 3 और 4 के क्यूब के बीच, किसके 3 एंड 4. ओके, और इन दोनों से हमें क्या लेना है स्मॉलर नंबर ही लेना है, जो भी छोटा है नंबर, तो छोटा नंबर क्या है 3. दैट मींस 32 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, और वी कैन से 32 इज द क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर. ओके, आई होप समझ आ रहा होगा. समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा.
लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इनमिक्स क्या है 91125, इसका क्यूब रूट हमें फाइंड करना है. ठीक है, अगेन ग्रुपिंग करेंगे. सो 125 हो गया ग्रुप में, इसकी फर्स्ट डिजिट क्या है 5. ओके, और 5 का क्यूब करेंगे तो हमें सेम डिजिट मिलेगी, सो 5 ही आएगा आंसर में. एंड नाउ 91 को देखेंगे तो 91 किन किन के क्यूब के बीच में आता है, 91 आएगा आपका 64 एंड 125 मींस 4 एंड 5 के क्यूब के बीच, 4 एंड 5 के बीच. और यहां से हमें क्या करना है, स्मॉलर नंबर को लेना है, सो 4 आ जाएगा. दैट मींस 45 इज द क्यूब रूट ऑफ 91125. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल एंड नेक्स्ट इज क्यूब रूट हमें फाइंड करना है 110592. अगेन क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे. सो ग्रुपिंग हो जाएगी, 592 हमारा एक ग्रुप में आ जाएगा एंड रिमेनिंग्स आर इन अदर ग्रुप. ओके, यहां पर यूनिट प्लेस पर क्या है 2, एंड 2 का क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पर क्या होता है 8, और वी कैन से 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है. ठीक है, तो 8 आया आंसर में. अब हम देखेंगे 110 को. ठीक है, 110 किस किस के क्यूब के बीच आएगा, देखिए 4 एंड 5 के बीच में. 4 का कितना होता है 64 एंड 5 का क्या होता है 125. ठीक है, तो किसके बीच में आएगा ये 4 एंड 5 के, और इन दोनों से हमें कौन सा नंबर लेना होता है, स्मॉलर नंबर. सो 48 इज द क्यूब रूट ऑफ 110592. ओके, आई होप ट्रिक आपको अच्छे से समझ आई होगी. सभी एग्जांपल्स को हमने ट्रिक से कैसे किया वो स्टेप्स आपको समझ आए होंगे. समझ आया तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.